अरे सुपरस्टार शतरंज टूर्नामेंट में भारत के निहाल सरीन जो है वो यू यांगी के सामने है, चीन के यू यांगी के सामने आठवां राउंड है ब्लिट्स का, और अगर निहाल यहां पर जीत दर्ज कर दें तो कमाल ही हो जाए, टूर्नामेंट जीत सकते हैं। शुरुआत हो गई है e4 e5 Nf3 Nc6 Bc4 Nf6 यहाँ पर d3 Bc5 तेजी से चालें होती हुई निहाल सरीन यहाँ पर कैसलिंग करते हुए यू यांगी यहाँ पर, निहाल ने तेजी से h3 जो खेल दिया है, ब्लिट्स के महारथी माने जाते हैं यहाँ पर निहाल, देखना होगा कि क्या कमाल करेंगे। d6 खेला है यहाँ पर तो c3 खेल दिया है यहाँ पर, इटालियन ओपनिंग होती हुई बढ़िया, बिशप को पीछे की तरफ खींच दिया जो कि काफ़ी एक स्टैंडर्ड लाइन है यू यांगी ने यहाँ पर फॉलो किया है। देखते हैं निहाल यहाँ पर कैसे कंटिन्यू करते हैं। निहाल अपने घोड़े को बाहर निकालते हुए Nb2 यहाँ पर आता हुआ, नाइट पीछे जाता हुआ e7 यहाँ पर आप देख सकते हो, रुक e1 नाइट जब f1 जाने की यहाँ पर तैयारी है एक प्रकार से, नाइट g6 आ चुका है यहाँ पर यू यांगी का। निहाल ने सेंटर ओपन किया, d4 खेला है यहाँ पर और c6 खेल के जवाब दिया है यहाँ पर यू यांगी ने। निहाल ने बिशप जो है वो f1 पे पीछे खींच दिया है, रुक e8 आता हुआ, अभी लग रहा है कि सेंटर पर कुछ एक्सचेंजेस जरूर यहाँ पर आपको देखने मिल सकते हैं। खैर इससे पहले निहाल ने यहाँ पर a4 खेल दिया है और जवाब दिया है यू यांगी ने a5 खेल करके। निहाल की चाल यहाँ पर देखते हैं, निहाल क्या चाल चुनते हैं। निहाल ने अब तक शानदार प्रदर्शन किया है ब्लिट्ज में और अगर ये वाला मैच जीत जाएं तो काफ़ी खिताब जीतने के नज़दीक पहुँच जाएंगे। ब्लिट्ज में b3 खेला है फिलहाल और d5 एक और पॉन, चार पॉन यहाँ पर सेंटर पर होते हुए, देखते हैं कौन यहाँ पर ब्रेक करेगा टेंशन, कौन जो है वो तोड़ेगा, निहाल करेंगे या यू यांगी यहाँ पर करेंगे। फिलहाल समय में तो निहाल आगे हैं, काफ़ी अच्छी उन्होंने बढ़त बनाई है, लेकिन फिलहाल अब समय आता हुआ सोचने का, तो देख लीजिए चाहे आप ब्लिट्स के मुकाबले खेलें, ओपनिंग कितनी भी तेज खेलें, लेकिन इंपॉर्टेंट क्रिटिकल मोमेंट पे आपको सोचना ही पड़ेगा डिसाइड करने के लिए कि आगे गेम कैसे जाने वाला है। और यहाँ पर निहाल टेंशन ब्रेक करते हुए d into e5 Nd2e5 एक पॉन एक्सचेंज हो चुका है सेंटर से, दूसरा पॉन भी एक्सचेंज होता हुआ सेंटर से e into d5 Nf3 यहाँ पर Nf3 और Rook into e1 Queen into e1 निहाल ने खेल दिया यहाँ पर, और क्या नाइट से मारेंगे Nd5 यहाँ पर, लगभग बराबर की स्थिति है अभी फिलहाल। जरूर आपको कहना होगा कि मोहरों की स्थिति अगर हम देखें तो वाइट थोड़ा सा स्लाइट बेटर आप कहोगे, ओके। बिशप g5 आता हुआ क्वीन को चैलेंज करता हुआ, यहाँ पर Qf8 खेल दिया है, थोड़ा अंदर की तरफ गए c4 खेल के, एक बार फिर से नाइट को भी धक्का देते हुए कि नाइट को भी हटना होगा, और यहाँ पर नाइट b4 जाते जाते वापस ले लिया है। शायद उन्हें कुछ लग रहा है कि क्वीन साइड कुछ तो खतरनाक यहाँ पर हो सकता है इन फ्यूचर किंग साइड पे, और Nf6 खेला है, Bb7 का एक्चुअली थ्रेट था उसको स्टॉप किया, पॉन स्ट्रक्चर डैमेज कर दिया है यहाँ पर निहाल ने यू यांगी का। हालांकि डबल बिशप हैं यांगी के पास और शायद ये मैनेज हो सकता है, लेकिन निहाल ज़रूर दबाव डालेंगे जब आप इस तरह के पॉन स्ट्रक्चर पर खेलें और हमारे पास जो है वो नाइट हो तो दबाव बनेगा ही बनेगा। Qc3 खेला है निहाल ने, सीधा सवाल पूछा है कि आपका पॉन मर रहा है कैसे प्रोटेक्ट करेंगे आप, किंग से या क्वीन से। लॉजिकल लगता है किंग से, लेकिन क्वीन से खेला है यहाँ पर और क्वीन थोड़ा सा ऑफ साइड हुआ है, यहाँ पर c5 का थ्रेट आया, एक्चुअली क्वीन के हटने से c5 मिला है, शायद इसका नुकसान हुआ है, और अब बिशप को ये डायगोनल छोड़ना होगा, और ना सिर्फ डायगोनल छोड़ना होगा स्पेस का भी प्रॉब्लम होगा यहाँ पर, बिशप c7 और रुक e1 खेलते हुए यहाँ पर निहाल सरीन। तो निहाल के सडनली जो है उनके तीनों मोहरे गेम पे हैं, ये पीस नहीं है लेकिन ये कभी भी यहाँ पे आ जाएगा, तो c5 बढ़ने से ये भी फ़ायदा हुआ है, बिशप e6 और एक अच्छा मोहरा जो पोजीशन को जैसे संभालते हुए यहाँ पर, देखते हैं निहाल इसका जवाब जो है वो क्या देंगे। कमजोरी को ढकता हुआ ये मोहरा, लेकिन अगर यहाँ पर ये मोहरा बिशप e6 कहीं से एक्सचेंज हो जाए तो काम बन सकता है। निहाल बिशप c4 आते हुए यहाँ पर चुनौती देते हुए उस ऊँट को कि आप गेम से जाइए, क्योंकि आपके जाने के बाद कमजोरी और उभर कर सामने यहाँ पर आ जाएगी। तो देखते हैं यहाँ पर यू यांगी जो है वो यहाँ पर क्या जवाब देते हैं इस चाल का, और बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट मोमेंट है गेम का। यू यांगी के पास थोड़ा सा समय निहाल से ज़्यादा हो गया था, क्योंकि निहाल ने जो मिडिल गेम में जो है काफ़ी समय लिया था जब उन्होंने सेंटर पर पॉन एक्सचेंज किए थे, तो यहाँ पर फिलहाल यू यांगी को सोचना होगा, क्योंकि भले ही ये पोजीशन बड़ी इक्वल सी लगे लेकिन दबाव यहाँ पर यांगी के ऊपर ही है, क्योंकि स्ट्रक्चर उन्हीं का डैमेज है यहाँ पर, और मोहरे अगर आप तुलना करेंगे तो वाइट के पीसेस ही ज़्यादा अच्छे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, खासतौर पर वो c5 मिलने के बाद अचानक से जो है पोजीशन काफ़ी यहाँ पर इम्प्रूव हुई है निहाल की। देखते हैं अगली चाल का क्या जवाब देंगे, काफ़ी सोच रहे हैं, काफ़ी यहाँ पर समय जो है वो ले रहे हैं यांगी, और
देखते हैं अगली चाल जो है वो क्या खेलते हैं यहाँ पर। बिशप सी फोर यहाँ पर जो है वो निहाल ने खेल दिया है, और अब यहाँ पर देखिए काफ़ी टाइम यूज़ कर लिया है, करीब करीब एक मिनट से ज़्यादा का समय जो है वो यहाँ पर यू यांगी ने लिया है। तो क्या इसका नुकसान यांगी को होगा, और निहाल उन पर दबाव जो है अब टाइम से भी जो है वो बना सकते हैं। देखते हैं यांगी यहाँ पर क्या चलते हैं, लगातार सोच रहे हैं एक्सचेंज करूँ ना करूँ, पीछे से रुक लेकर के आऊँ, सपोर्ट बढ़ाऊँ, क्या करा जाए। ज़्यादा कुछ चालें हैं नहीं आपके पास, या तो सपोर्ट लगाना होगा या एक्सचेंज करना होगा। और यहाँ पर रुक E8 आते हुए यू यांगी, और अब निहाल के ऊपर है कि निहाल यहाँ पर क्या जवाब देंगे, इस चाल का क्या चल रहा होगा निहाल के दिमाग में, सोचने वाली बात होगी यहाँ पर। और बहुत संभव है कि एक्सचेंज करें, बट एक्सचेंज जब आप करते हैं तो स्ट्रक्चर सीधा हो जाने का खतरा भी है यहाँ पर। और बट एक बात ज़रूर है कि स्ट्रक्चर सीधा होने के बाद भी जो पोजिशनल जो बढ़त है वो वाइट के पास ही रहेगी, क्योंकि अगर हम बिशप E6 मारे और वो पॉन E6 मारे तो क्वीन C4 का थ्रेट भी है वहाँ पर। लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर क्या खेलते हैं। निहाल भी बराबर समय लेते हुए यहाँ पर करीब करीब 20-30 सेकंड से अधिक जो है यहाँ पर निहाल ने समय ले लिया है। बिशप E6 मार दिया यहाँ पर, रुक इनटू E6 मारा है यू यांगी ने। अगर वो यहाँ पर पॉन से मारने जाते तो एक्चुअली में स्टिल ये पोजीशन अच्छा ही था वाइट के लिए। खैर रुक E6 खेला है और रुक D1, निहाल ने बोला एक्सचेंज नहीं करेंगे हम एक्सचेंज नहीं करेंगे क्योंकि हमारा रुक जो है आपके रुक से बेहतर नज़र आ रहा है। क्वीन G6 यहाँ पर खेलते हुए, और क्या निहाल इसमें एंड गेम में भी जा सकते हैं, क्योंकि ये यहाँ पर रुक काफ़ी अच्छी स्थिति में है निहाल का। निहाल के पास ज़्यादा समय नहीं बच रहा है यहाँ पर, अभी सेकेंड्स जो है यहाँ पर उनके पास बचे हुए हैं 20-30 सेकेंड, और उस पर ही उन्हें निर्धारण करना होगा कि उनकी अगली चाल यहाँ पर क्या होगी। और यहाँ पर निहाल ने क्वीन D3 एक्सचेंज का ऑफर तो किया है ज़रूर, बोल रहे हैं कि आप एक्सचेंज कर लीजिए क्योंकि आपका तो स्ट्रक्चर डैमेज है, तो हम आपको परेशान करने में कोई कसर छोड़ेंगे नहीं। और क्या यू यांगी यहाँ पर एक्सचेंज जो है उसको एक्सेप्ट करने जाएंगे, क्योंकि अगर इस पोजीशन को हम ज़रा ध्यान से देखें तो परेशानी में तो हैं यहाँ पर यू यांगी। समय काफ़ी कम होता हुआ यहाँ पर यू यांगी का, समय घटता हुआ यहाँ पर, देखते हैं क्या चाल खेलते हैं। यांगी ने किंग जो है उसको G7 पे खेल दिया है, किंग G7 यहाँ पर खेल दिया है यहाँ पर। और नाव अगली चाल यहाँ पर, नाव यहाँ पर G3 खेला है निहाल ने, देखते हैं कि यू यांगी जो है वो कैसे जवाब देते हैं इस पोजीशन पर। और अगली चाल यू यांगी की, यांगी को देखना होगा कंटिन्यू कैसे करेंगे, क्या वो एक्सचेंज एक्सेप्ट करेंगे क्वीन E2। उन्होंने क्वीन E4 खेला है, निहाल ने क्वीन एक्सचेंज कर दिया है, रुक E4 जाता हुआ, और निहाल का रुक D7 जाता हुआ, बिशप हटता हुआ, रुक B7, सीधा पॉन जो है यहाँ पर खो चुके हैं यांगी। और मुझे नहीं लगता कि कोई कंपनसेशन कहीं से है, बिशप आता हुआ C3 पे, बट नाउ रुक B6, अभी C6 का पॉन खतरे पे, उन्होंने खेला है रुक D6। निहाल नाइट को F5 पे लाने की तैयारी करते हुए बिशप B4 पे आता हुआ ताकि B3 के पॉन को आप ढक सकें, बट रुक A6 यहाँ पे बैठ गए, आप रुक हटाएंगे, उन्होंने गए रुक D1 चेक देते हुए, रुक E1, बट किंग G2 एंड बिशप C5, रुक A5, बिशप B4, रुक A6 यहाँ पर, रुक C1 खेला है यहाँ पर, तो अभी दूसरे पॉन पे भी खतरा, और एक पास पॉन ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है यहाँ पर। पॉन आगे बढ़ते हुए नाइट F5, तेज़ी से चालें हो रही हैं यहाँ पर, नाइट E7 चेक, किंग G7, नाइट पूरी तरह से गेम में लेकर के आ गए निहाल। अभी B4 पर अगर एक्सचेंज हो गया तो दो पॉन डाउन हो जाएंगे यहाँ पे सीधे। बिशप A5, रुक C6, यहाँ पर रुक C2 रखा है उन्होंने, लेकिन निहाल के पास से B4 आ गया यहाँ पर, और एक और पॉन जा चुका है बोर्ड से, रुक C5, A5, F5 जरूर किया है, लेकिन निहाल का पूरा नियंत्रण है गेम पर। यू यांगी गलतियाँ कर चुके हैं और निहाल कोई मौका देने के मूड में यहाँ पर है नहीं। बिशप F6 और नाइट F6, किंग F6, क्लियर दो पॉन आप हैं, पास्ट पॉन है यहाँ पर उनके पास, कोई चांस नहीं है यहाँ पर। और यहाँ पर यू यांगी ने रिज़ाइन कर दिया, और इस जीत के साथ ही निहाल सरीन जो है वो टूर्नामेंट जीतने के बेहद करीब यहाँ पर जो है वो पहुँच चुके हैं। और आपको बता दें कि इस जीत के बाद निहाल की स्थिति बेहद मजबूत यहाँ पर नज़र आ रही है यू यांगी से जीतने के बाद। देखते हैं कि क्या निहाल ब्रिट्स का खिताब जो है वो अपने नाम जो है वो कर पाएंगे।